माता की जय, भारत माता की जय। घर लहराएंगे तिरंगा, हर घर लहराएंगे तिरंगा, हर घर लहराएंगे तिरंगा, भारत माता की जय। कार्यकर्ता हमारे संगठन मंत्री आदरणीय भाई विशाल जी, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी हमारे कठुआ के पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, बहुत पुराने कार्यकर्ता राजीव किशोरिया जी, इस जिला के महामंत्री राजेश मेहता साहब, हमारे आए हुए सभी मंडलों के अध्यक्ष, मंच पर हमारे जो हर घर जिंदा जो अभियान है उसके हमारे जिला के कन्वीनर हमारे बोधराज जी, जो हमारे संगठन मंत्री जी हैं, बड़े विस्तार पूर्वक आपको उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम जो है वो किस लिहाज से हमारे संगठन की दृष्टि से और प्रत्येक भारतीय नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कितना इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। पार्टी ने जब जब भी भारतीय जनता पार्टी जिला कठुआ के कार्यकर्ता को जो भी काम दिया, जो भी टास्क दिया, हम लोगों ने पूरी मेहनत और लगन के साथ उस कार्य को पूरा करने का प्रयास भी किया। और ये कार्यक्रम मैं कहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक भारतीय नागरिक से ये आह्वान किया है कि हम लोगों को अपने घरों में झंडा लगाना है, और उस दृष्टि से ये कार्यक्रम और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो मैं पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते यही कहूँगा कि हम लोग इस कार्यक्रम को बड़े सीरियस तरीके से लें, और आने वाले समय में जिस प्रकार से पार्टी ने ये तय किया है कि 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये कार्यक्रम रहने वाला है, तो हम लोगों ने हरा झंडा लगाना है। और इसकी पूरी योजना हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ पर हैं, प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, हमारे कन्वीनर यहाँ पर हैं, हमारे म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन यहाँ पर हैं, लगभग सभी प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। इसकी एक बार योजना हम लोगों को सहयोग भी पार्टी की दृष्टि से करना है। कहीं ना कहीं हम सबको ये लगे कि हमारा जो समर्पण भाव है वो लोगों के बीच में भी किस प्रकार से रहना चाहिए, हमारा भी वो जो समर्पण भाव है वो किस प्रकार से रहना चाहिए, उसके लिए हम लोगों को सहयोग भी करना है। और कहीं ना कहीं लोगों से भी, अगर हम लोग जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो प्रमुख कार्यकर्ता जो इस बैठक में नहीं पहुँचे हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं अगर वो सहयोग देना चाहेंगे, तो जिस प्रकार संगठन मंत्री ने कहा है कि हमारे जिला के महासचिव हैं, हमारे कन्वीनर भी हैं, और आपकी जितना भी हमारे मंडल निर्देश हैं, पार्टी की तरफ से भी मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं हम लोग भी झंडों के जो सहयोग जो वो कहीं ना कहीं झंडों का सहयोग भी पार्टी की तरफ से जितना हो सकता है हम लोग प्रयास करेंगे। राजीव जी यहाँ पर हैं, बोधा जी हैं, जो उनसे हो सके हम लोग भी करेंगे। देखिए हम उसके बाद कन्वीनर साहब, को कन्वीनर साहब, मंडल अध्यक्ष और जो मंडलों के को कन्वीनर्स हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। मकसद बात रखने का इतना ही था कि सबकी इन्वॉल्वमेंट हो। कल मेरा कठुआ आना हुआ, परसों मैं जम्मू में था, तो मैंने कन्वीनर साहब को एक प्रार्थना की। मैंने कहा आपने मैसेज दिए हैं आज की बैठक का, एक बैठक हमने पहले ली थी विशाल जी, एक बैठक हमने जिला की पहले ली थी, और उस बैठक में हमने कहा था कि मंडल लेवल पे हम सब कार्यकर्ता 30 तक बैठ के कर लें। और कुछ मंडल इधर, यहाँ 4 मंडल हैं, 4 में से मेरे ख्याल 3 मंडलों ने बैठक की है। शासन का जो पॉलिटिकल आप अध्ययन करिए, मंथन करिए, चिंतन करिए, क्या कारण है विपक्ष दिखता नहीं, उस कार्यक्रम में अपना सहयोग देती है। सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने कोरोना है, COVID-19। जो पहले राजनीति थी, MLA, MP या और कोई जनप्रतिनिधि चुनाव के समय आता था और वोट मांगता था, 5-6 महीने लगाता था, अपना काम करता था और चलता ही आता था। और 50 वर्ष ऐसे ही हुआ,
जिन्होंने इस देश में 50 वर्ष राज किया, उन्होंने सिर्फ इसी बात का बेनिफिट उठाया और डाउन द लाइन लोगों में, आम जनमानस में। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यालय में, आपको याद होगा कि मोदी जी ने कहा था कि हर घर जो है तिरंगा हमको लहराना है, 20 करोड़ जो तिरंगे झंडे हैं प्रत्येक घरों पर लहराए जाएंगे। उसी के संदर्भ में आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया। पिछले दिनों भी आपने देखा मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के हमारे कठुआ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में विधायक रहे, पूर्व में मंत्री रहे मेरे भाई राजीव सिसोदिया जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता है कि एक बैठक पिछले दिनों में जो है इस कार्यालय में रही थी। और पार्टी की तरफ से जो हम लोगों को दिशा निर्देश मिला है कि हर घर में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सहयोग करेगा और हर घर में तिरंगा जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कराया जाएगा, हमारा कार्यकर्ता उसमें पूरा सहयोग करेगा। उसी के संदर्भ में आज हमारी एक बैठक रही है। हमारे जो 4 मंडल हैं, जो कठुआ सिटी मंडल है, हमारा ग्रामीण मंडल है, हमारा कठुआ कंडी मंडल है और हमारा नगरपुर जो मंडल है, उनके सभी प्रमुख कार्यकर्ता हमारे मंडलों के हमारे ऑफिस बिल्डर हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हमारे पूरी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको आज यहाँ पर बुलाया है। और उसकी किस प्रकार से योजना रहेगी उस कार्यक्रम को सफल बनाने में, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि तिरंगा झंडा जो है वो हमारी शान है, हमारी पहचान है, हमारी जान है। तो ये कार्यक्रम उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हम लोगों ने पूरी योजना बनाई है और हमारे कार्यकर्ता भी क्या क्या आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम के लिए किस प्रकार से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा सहयोग सारी जानकारी दी है। तो सरकार ने एक प्रोग्राम लिया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपरांत 75 वर्ष पूरे होने के बाद सरकार का एक मन था, सरकार ने फैसला लिया और प्रधानमंत्री साहब ने इसका निर्णय लिया कि हर घर तिरंगा इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75वीं वर्षगांठ पर कि हर घर तिरंगा हो, उसका एक टारगेट एक योजना बनाई है सरकार ने कि 20 करोड़ तिरंगे हर घर में लहराएंगे। और इस तिरंगा लहराने का एक ही मकसद है, तिरंगा हमारी पहचान है, तिरंगा हमारी आइडेंटिटी है, तिरंगा हमारा सिंबल है। और इस तिरंगा को पाने के लिए अनेक लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, उसके बाद हमें ये चिन्ह मिला। और सबसे निवेदन है, आपके माध्यम से भी निवेदन है कि जो सरकार का जो हालांकि प्रोग्राम सरकार का है, सरकार के साथ साथ जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस इनिशिएटिव को, जो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है उस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का जो प्रयास सरकार ने किया है, उस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी निर्णय लिया है कि एक फैसिलिटेटर का रोल भारतीय जनता पार्टी भी निभाएगी। आपके माध्यम से सारी पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन से निवेदन है कि हर घर तिरंगा जो 13 से 15 को लगाया जाएगा उसमें हम सब सहभागी बने और ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर लोगों में जाए और हमें एक झंडे के नीचे हम सब इकट्ठे होकर इस भारतवर्ष को और सुदृढ़ करने का प्रयास करें।